वेलकम माई चैनल टेस्टी इजी किचन। आज हमने बनाया ये अफगानी चिकन, और इसको कैसे बनाया इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर करना भी भूलें, और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये लिया मैंने हाफ के जी बोनलेस ये विद बोन चिकन, आप बोनलेस चिकन से भी इसको बना सकते हैं। और इसमें हमने हल्के कट्स लगा लिए हैं सब पीसेज में, और इसमें हम डालेंगे सबको मैरिनेट करना है हमें सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन। हमने 1 लेमन यूज़ किया है इसमें, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट 1 टीस्पून अराउंड। और इसको हम इसी में मैरिनेट करके कम से कम आधे से घंटा या 1 घंटा के लिए रख देंगे, जितना टाइम आपके पास हो, कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर रख दें। तो ये अच्छे से मैरिनेट हमारा चिकन हो जाएगा। इसको मिक्स करके हम कवर करके रख देंगे, तब से हम उसकी खा की दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। जो हो गया चिकन हमारा मैरिनेट, इसको हम रख देंगे एक साइड। हम दूसरी चीज़ें मसाला तैयार कर लेते हैं। लिया है हमने 3 to 4 टेबल स्पून कोरिएंडर, साथ ही लिया है 1 मीडियम साइज ऑनियन और 8 से 10 हरी मिर्चें, और ये लिया है हमने काजू, 8 से 10 काजू लिए हैं। सॉल्ट डालेंगे इसमें और हम इसको एक ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी एक चटनी की जैसे बना लेंगे। बहुत थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए हमारी चटनी पीस के तैयार होगी कितनी अच्छे कलर की। और हम इसे एक बाउल लेंगे, अपने सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे। लिया है हमने 1 कप दही, बीट कर लिया था हमने इसको अच्छे से पहले ही दही को, साथ ही इसमें डालेंगे हम 4 to 5 टेबल स्पून क्रीम, फ्रेश क्रीम, और जो हमने चटनी मिक्सर एक ब्लेंड करके रखा है वो पूरा मिक्स इसमें डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला पाउडर। बस यही इंग्रेडिएंट्स इसके मेन हैं जो इसमें डालेंगे, बाकी सब इसमें ज़्यादा स्पाइसेस बहुत यूज़ नहीं होते हैं। इसको अच्छे से एक मिक्स देंगे। चिकन को भी हमारे मैरिनेट हुए करीब आधा घंटा हो चुका है, तो हम इसको बाकी अब हम ये चिकन का बाउल लेंगे, इसमें हम जितना हमने मिक्सचर रेडी किया है इसमें इस पूरे मिक्सचर को पोर कर देंगे। और इसके साथ हमको इस मिक्सचर के साथ हम इसको चिकन को हमें कम से कम 1 घंटा के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है। हम इसको कवर करके 1 घंटा के लिए रख देंगे, फिर बाद में उसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्सचर आपको ज़्यादा लग रहा होगा ऐसा, इसके बारे में मत सोचिए, ये हमारा यूज़ हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। साथ ही डालेंगे ऊपर से कसूरी मेथी, जो कि इसको एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर करके रख देंगे करीब एक घंटा हो चुका है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है ग्रिल पैन, आप कोई सा भी पैन ले सकते हैं, ग्रिल पैन में लेंगे या नॉर्मल पैन में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और अच्छे से पैन में स्प्रेड कर देंगे, और किसी भी टोंग की हेल्प से किसी भी हम इसमें पीसेस को इसमें फ्राई करने के लिए लगा देंगे। हाई फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारे बस इसका पूरा अच्छे से मार्क्स आ जाएँ, और हमें इसमें अच्छा सा कलर देना है अपने चिकन को, जितने में पूरे आराम से पीसेस आ जाएँ। पूरे पैन में देखिए हमारे पीसेस आ गए हैं, और ये मिक्सचर हमारा बचा है इसको हम कवर करके रख देंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, कैसे करेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। चिकन अच्छे से एक साइड से फ्राई हो जाए, जब कलर आने लगे तभी चेंज करिए। देखिए एक साइड कलर आ चुका है, हम इसको टर्न कर रहे हैं दूसरी साइड, और जो इसमें मसाला लगा हुआ है ये भी साथ साथ पकता रहेगा पूरा, इसमें अच्छे से इसमें चिकन में लग जाएगा, पक जाएगा अच्छे से, और हम इसको चिकन को अच्छा सा हमने रेड होने तक इसको फ्राई करना है। कलर अच्छा चेंज हो जाना चाहिए इसमें, कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें चिकन को फ्राई होने में। देखिए चिकन हमारा मस्त हो चुका है, मसाला हमारा लगने लगा है, तो बस हम अभी इस टाइम स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए तेल छोड़ने लगा है, पूरा मसाला हमारा भून चुका है, इसका चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। हम इसको एक स्मोक देंगे, फ्लेवर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने रखा है कोयल को, उसके ऊपर डालेंगे असली घी और उसको कवर कर देंगे, ऐसे अच्छे से स्मोक आ जाएगा। इसको हम फिर एक साइड में रख देंगे। तब से हम बाकी चीज़ें दूसरे पैन में अपनी तैयार करेंगे। ये लिया है हमने दूसरा फ्राइंग पैन, इसमें डालेंगे ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है हमने। ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा सा हमने इसे बटर भी डाला है, इसीलिए बस अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही डालेंगे लौंग, इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, अच्छे से थोड़ा सा पकाएंगे। हम इसमें अपने डालेंगे जो मसाला जो हमारा मैरिनेशन बचा था, हम इसको पूरे मिक्सचर को इसमें पोर कर देंगे, और हम इसको मसाले को अलग से कुक करेंगे। अच्छे से बॉयल आने लगेगा, जब ये हाफ कुक हो जाएगा तब हम उसके बाद इसमें बाकी चीज़ करेंगे। हाई फ्लेम पर ही हम इस मसाले को पकाएंगे कि हमारा मसाला अच्छे से भुनने लगे। पाँच
5 से 10 मिनट तक कम से कम इसको पकने देंगे हम कवर करके। ये देखिए हमारा स्मोक आ गया, चिकन को अच्छे से हम उसमें से कटोरी निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा ये चिकन मसाला भी हमारे भुन रहा है, अच्छे से पक गया, इतना पक रहा है। अब हम इस स्टेज में क्या करेंगे, आधा हमारा मसाला को खो चुका है, ठीक हो चुका है थोड़ा। अब जो भी चिकन है हम इसे पूरा इसमें डाल देंगे अपने, क्योंकि चिकन अभी हमारा हाफ कुक हुआ है, अभी हमें और उसको कुक करना है। इसीलिए इस मसाले के साथ जब हम इसको चिकन को अपने पकाएंगे तो हमारा चिकन पूरा कुक हो जाएगा अच्छे से मसाले के साथ। इस तरह से हाई फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे, लो फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमारा चिकन अच्छे से पक जाए और गल जाए, ज़्यादा वाटरी भी ना हो और ड्राई भी नहीं होना चाहिए चिकन, अंदर से जूसी होना चाहिए। ये देखिए इसे पकने लगा है, हमारा मसाला काफ़ी हद तक पक चुका है। थोड़ा सा और तेल पकने देंगे कि तेल ऊपर आ जाए। देखिए ये हो चुका है हमारा चिकन तैयार, हम इसको सर्व कर रहे हैं। अफगानी चिकन तैयार पूरा भून चुका है, हम इसको प्लेट एक बाउल में सर्व कर रहे हैं। ये देखिए हमने सर्व कर दिया अफगानी चिकन को अपने, इसको हम ड्रेसिंग करेंगे तो सब फ्रेश कोरिएंडर से। आप चाहें तो ऊपर से इसमें जिंजर भी बारीक कट करके डाल सकते हैं, साथ ही ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम है तो, और बाकी इसको नान के साथ आप सर्व करिए या घी राइस के साथ सर्व करिए, तो एक ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन है राइस के साथ और नान के साथ। तो चलिए आप भी इसको बनाइए, खाइए, फिर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।